तथा च यदि यहाँ पर मई इति पंचमी जन की षष्ठी अर्थात मई से परे जो जन उसको द्वित होता है इस पक्ष का आश्रयण करके धात करते हैं तो इस संबंध में पुनः मरोणमाकार का मत है धातृंग सहित अत्र से द्वित्व न द्वित्व प्रकरण राहाभ्यामिति साक्षात श्रुते न निमित्त भावे न रेफस्य कार्यत्व बाधात श्रुति पाच इत्यादि तो स्थान न निमित्तत्व कह तस्मात्तर से इत्यादि निर्देशात ज्ञापका न बाध्यत कहत सकार से तो भवत्युक्त तच व्यत्योत्र रूपद्वयम लाख्यतरी त्वेकमेव सर्वकार का कथना है जनोम इति प्राप्तम नित्यर्थः द्वितीय प्रकरण इति तथा च भाष्यम रेफस्यानुनासिक पर सवर्ण दुर्वतन प्रतिषेधो वक्तव्यः स्वर्णयति कुंडम रथेन महद्रादः नो वक्तव्यः रेफोस्मनाम सवर्णानो सन्ति नेमो रहो कार्यनौ किम तरह निमित्त दुर्वचनस्येति अन्यथा वचनारंभे दुर्वचन मात्रस्य निषेधेन फलभेदे प्रत्याख्यानापत्तेह साक्षात्तेन विशेष सद्बोधितेन यत्र यत्र द्वित्व निमित्तत्वं तत्र सर्वत्र वाक्यांतरेण अनति इत्यनेन कार्यत प्रसक्ते रणवकाशेन तेन भाष्य प्रामाण्यात् सामान्यतः एव द्वितीय कार्यत्वं बाध्यते इति भावः अत्र अत्र बाधा देति अर्थात व्यापक धर्मावच्छिन्न व्यापक धर्मावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचादिति भाव जड़वावच्छिन्न रेफातिरिक्तत्वेन संकोच जत्र जत्र रेफे निमित्तता तत्र सर्वत्र अनति चेत रेफे कारिता प्राप्तातः जड़वावच्छिन्न रेफातिरिक्तत्वेन संकोच कर्तव्य परंतु भाष्य प्रमाण्यात सर्वत्र निमित्ततया कारितायाः बाधः अनचेति न केवलम अनचेत निमित्ततया कार्यतायाः बाधोपि तु सर्वत्र मान्यथा वार्तिकारम्भे सर्वत्र द्विवचन प्रतिषेधस्यात् प्रत्याख्याने तु अनचेत्यनेन यत् प्राप्तं तस्यैव वारणं स्यात् फलभेदसत्वात् प्रत्याख्यानापत्तेः यहाँ पर यदि मई इति पंचमी जन षष्ठी अर्थात मई से परे जन को द्वित होता है इस पक्ष का आश्रयण करके धातृंग समय रेप को द्वित हो प्राप्त होता है किंतु द्वित प्रकरणस्थ अचोराभ्याम द्वे इसमें साक्षात स्रोत निमित्त भाव से रेप की कार्यता का बाद होता है अर्थात व्यापक धर्मा बच्छिन्न जड़ व्यापक धर्मा बच्छिन्न जड़ में व्याप्य धर्मा बच्छिन्न रेपातिरिक्तत्वेन संकोच होता है इस बात को हैवरण सूत्र के भाष्य में लिखा है तथा रेप को अनुनासिक परसवर्ण द्वित्व का प्रसिद्ध कहना चाहिए अर्थात स्वर्णयत में अनुनासिक कुंडरथेन में परसवर्ण भद्रधा में अभद्रधा में द्वित्व का प्रसिद्ध करना चाहिए इस प्रकार इसकी आवश्यकता दिखाकर भाष्यकार ने कहा इस वार्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेफ तथा उष्मा संयुक्तों के सवर्ण नहीं होते रेफकार कार्य नहीं है किंतु द्वितीय का कारण है तो हकारोपदेश हकारोपादान दृष्टान्तार्थ है जैसे हकार में कार्य तो नहीं उसी प्रकार रेफ में भी कार्य तो नहीं केवल अनति चौबीस में निमित्तता से कार्यता का बाद नहीं होता किंतु सर्वत्र ही निमित्तता से कार्यता का बाद होता है अन्यथा वार्तिकारम्भ में सर्वत्र द्विवचन का प्रतिषेध होगा प्रत्याख्यान में तो अनति चौसे जो प्राप्त है उसी का वारण होने से फलभेद स्पष्ट रहने पर प्रत्याख्यान नहीं हो सकेगा तथा विशेष शब्द से बाधित निमित्त भाव से कार्यता का बाद होगा जहाँ जहाँ पर द्वितीय में निमित्तता है वहाँ वहाँ पर अनति चौस इति वाक्यांतर से कार्यत्व की प्राप्ति है अतः भाष्य प्रामाण्य से अनवकाश निमित्तत्व से सामान्यतया द्वितीय में कार्यता का बाद होगा।
अर्थात इसका अभिप्राय है यद्यपि अपवाद स्व विषय में ही निवर्तक होता है, स्व विषय में अन्यत्र नहीं प्रमाण अभाव होने से। इसका अभिप्राय है यद्यपि अपवाद स्व विषय में ही निवर्तक होता है, स्व विषय से अन्यत्र नहीं प्रमाण अभाव होने से, अतः हर जानुभव इत्यादि में जहाँ पर रेफ में निमित्तता है वहाँ पर कार्यता में निवृत्ति होनी चाहिए। धातृंश हमें कार्यता की निवृत्त नहीं होनी चाहिए। तथापि महत मद्रह रदह इत्यादि में अर्थात निमित्तत्वाप्राप्त विषय में कार्यित निमित्थन कर परभाष्य प्रमाण से रेफकार को जातपरक मान लेने पर रेफत्व जाति में निरवकाशता होने से निमित्तता से सर्वत्र कार्यता का बाद हो जाएगा। इकोजनत यहाँ पर भी व्यापक धर्मावच्छिन्न से व्यापक धर्मावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोच होने से अर्थात अत में एगतिरिक्तत्वेन संकोच होने पर शुद्धि उपास्य यहाँ पर जन होगा यदि कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि तस्मादित्युत्तरस्य इस निर्देश के बल से जन हो जाएगा, इस निर्देश से जन हो जाएगा। तथा च इस कथन पर तस्मादित्युत्तरस्य इस निर्देश से यह ज्ञापन हुआ है कि अति इगति रिक्तत्वेन संकोचो न भवति। एक ज्ञापन है जो अति इगत रिक्तत्वेन संकोचो न भवति, जैसे यह जाति पक्ष में आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्ति पक्ष में भी। यदि ऐसा कहते हैं कि इकोजनत इसकी उपस्थिति प्रत्येक लक्ष्य के लिए होगी तथा उपस्थिति सामर्थ्य से शुद्धि उपास्य इत्यादि में जन हो जाएगा तो ज्ञापकाचरण अनुपयुक्त है, तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे व्यक्ति पक्ष में कहा जाता है। इस पर सब रत्नकार लिखते हैं एकदम व्यक्ति पक्ष प्यावश्यकम अन्यथा अकस सवर्णे इत्येतत् प्रजालोचनया विषय इत्यादि विषयक जनशास्त्राभाव कल्पनवत संग्रह वाक्य इकस्थानित्व श्रवणा तद विषयक लक्षणाभाव से व कल्पनम स्यादिति स्पष्टम इको जनति इत्यत्र क्रियते। अत्रादुति बीजम तो अत्र स्थानवत्वस्य नानवकाशत्वं मध्वत्येत्यत्र निमित्तत्वा प्राप्त्या तत्र स्थानवत्वस्य चारितार्थात् तथा तत्र कौंडिन्यन्यायो प्यनवकाश विषय एव इति स्पष्टम तथिते खचाम इति सूत्रे भाष्ये तद प्राप्ति योग्य विषयाभाव रूपम चानवकाशत्व में तद विषय न च तत्र कौंडिन्यन्यायो विधेय विषय एव विशेष विहितेन सामान्य विहितम बाध्यतो इत्यभियुक्त व्यवहारादिति वाच्यम अपुरबोध्यत्वेन निमित्तत्वादेरपि विधेयत्वात् नहि निमित्तवत्त्वमपि मानान्तरसिद्धमिति दिग् एवमेवेति जन तत्प्रागवर्तिजरो द्वित्वप्रयुक्त रूपभेदाभावादिति भावः वकारस्तु नात्र अन्यूनातरिक्तस्थानिकादेशलाभेनाधिकस्थानिकश्चाप्रवृत्तेः लणसूत्रस्थभाक्यविरोधेना भाष्य विरोधेन एतादृशानाम् अविधानाम् इति तत्त्वम्। अर्थात ऐसा जो कहा गया है, यदि हम ऐसा कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे व्यक्ति पक्ष में अकस सवर्ण दीर्घ का लक्ष्य श्रीसा इत्यादि में बाध्य जो शास्त्र अर्थात जन विधायक शास्त्राभाव की कल्पना होती है, उसी प्रकार अज व्यभित पूर्वत विशिष्ट जन इक्व जन होता है। इस संग्राहक वाक्य अर्थात लक्ष्य संस्कारक महावाक्य अर्थात लक्ष्य संस्कारक महावाक्य से इक में स्थानिता का श्रवण होने से बाध्य इक निमित्तत्व विषयक इको जनज के अभाव की कल्पना हो जाएगी।
तो शुद्धि उपास्य इत्यादि साधुत्वार्थ अनवकाशत्वेन स्थानिता से निमित्तता का बाध नहीं हो सकता। मध्वत्र यहाँ पर एक रूप निमित्तता के अभाव में जन विषय में स्थानिता को चरितार्थ होने से पुनः